हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रति हिंदुओं की आस्था खत्म करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा डिपेंडेंट इंडिया में मैकेले की एजुकेशन स्टार्ट की गई थी। उसके प्रभाव से आज भी एजुकेटेड सोसाइटी में भी लोग सनातन धर्म की महिमा से अनभिज्ञ हैं तथा इसका गौरव भूलकर वेस्टर्न काल्पनिक कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत में विद्यालयों महाविद्यालयों में वही झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो अंग्रेज कूटनीतिज्ञों ने लिखा था। पर दोस्तों, अगर बात करें हिंदू धर्म की आस्था को लेकर, जो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म से प्रभावित होकर उसे अपना रहे हैं, आइए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम की विचारधारा मुसलमानों के लिए ही नासूर है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को ही हुआ है। इस्लाम के मानने वाले लोगों में मेल ईगो रहता है और वो औरतों को अपने इस्तेमाल की चीज समझते हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शब्द मुस्लिम देश की एक राजकुमारी के हैं, जिसने इस्लाम के साथ हिंदू धर्म की भी पढ़ाई की है। इस राजकुमारी के आए इन बयानों ने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया और अन्य मुस्लिम देशों में इस्लाम की कट्टर सोच के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर भी राजकुमारी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन अपने आजाद ख्याल के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कौन है वो बेबाक राजकुमारी जो मुस्लिम देश में रहकर भी हिंदू धर्म को पढ़ती है और उन्हें अपने सिद्धांत मानती है, कैसे इस्लाम को लेकर लोगों की सोच धीरे धीरे खुल रही है, लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब इस्लामिक देशों में से सबसे ताकतवर और बड़ा देश है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब की ही तेल भंडारण पर निर्भर करता है। सऊदी में इस्लाम धर्म है और वहां रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। इस्लामी कानून सऊदी अरब में आम है और उसी के हिसाब से लोगों को किसी भी जुर्म की सजा दी जाती है। और कौन से जुर्म को किसकी कितनी और क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सब इस्लामी तौर तरीके से ही तय होता है। दोस्तों, इस्लाम में औरतों को अपने विचार रखने और अपने मन की बात करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब में भी औरतों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अरब के ज्यादा देश ईरान, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, सूर्या और भी बहुत से देश हैं जो इस्लामी कानून को मानते हैं और वहाँ औरतों का शोषण होता है। लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मिटाने के लिए उन्हें आगे आना पड़ता है जिन पर जुल्म होता है। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में इन देशों में औरतों की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, मगर आज भी सऊदी में औरतों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने की औरतों को पति, पिता या भाई से परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए, ऐसे देश में लड़कियों का विकास कैसे होता होगा। मगर दोस्तों, सऊदी की राजकुमारी अमीरा अल तवील ने सऊदी की औरतों के लिए एक साहसी कदम उठाया और लगातार औरतों को उनका हक दिलाने के लिए वो लगी हुई है। दोस्तों, सऊदी के शाही परिवार की बेटी है अमीरा अल तवील और उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में सऊदी के बिजनेसमैन अल वालिद से शादी कर ली थी, जो उनसे 28 साल बड़े थे। अमीरा हमेशा से खुले विचारों की मालकिन थी और हमेशा अपनी मर्जी से जीना भी चाहती थी। यही वजह है कि शादी के बाद उनकी ज्यादा नहीं चल पाई और दोनों ने साल 2013 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया, जिसके बाद अमीरा ने दुबई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुत्ती अल मुहारा से शादी कर ली थी। दोस्तों, अमीरा ने अमेरिका की मस्ती ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है और वहीं वो इस्लाम के अलावा हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म में भी पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही इतने धर्म के बारे में जानकारी मिलने के बाद अमीरा को यह एहसास हुआ कि इस्लाम में किस तरह से औरतों को दबाया जाता है, उन्हें सिर्फ आदमियों के इस्तेमाल की चीज बनाकर रख दिया गया है। अपनी पढ़ाई से अमीरा काफी ज्यादा जागरूक हुई और सऊदी की बाकी औरतों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अमीरा ने सऊदी में कई सेंटर्स भी खोले हैं जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती हैं जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं या जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, अमीरा एक फाउंडेशन चलाती हैं जो गरीब औरतों और जंग में शरणार्थी बने लोगों की इज्जत वहां की जाती है। दोस्तों, अमीरा का मानना है कि हिंदू धर्म में औरतों को इज्जत दी जाती है। वैसे इज्जत तो दुनिया में हर धर्म में मिलनी चाहिए। हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए अमीरा ने कहा है कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है, न हिंदू धर्म में आतंकी मानसिकता होती है। हिंदू धर्म दुनिया को अपना घर कहता है और दुनिया में अमन और चैन फैलाने की बात करता है।
दोस्तों आपको बता दें कि अमीरा सऊदी में रहकर अपने खुले विचार रखती हैं, लेकिन कई बार वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हैं। साल 2016 में सोशल मीडिया पर बिना हिजाब की फोटो डालने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रहने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला। दोस्तों सऊदी ही नहीं बल्कि अन्य मुस्लिम देशों की महिलाएं भी हिजाब और खुद को बुर्के में रखने को लेकर परेशान हैं, और ईरान की महिलाओं ने तो हिजाब और बुर्के में औरतों को जबरदस्ती रखने और उनके अधिकारों से दूर करने को लेकर काफी प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में ईरान महिलाओं ने इस्लामी कट्टरपंथी के खिलाफ हिजाब को जलाकर प्रदर्शन किए थे। इस तरह की मानसिकता से परेशान होकर कई महिलाओं ने अपने धर्म को बदला है और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। उनमें से एक है रवीना पूजा उपाध्याय, जो कहती हैं कि इस्लाम में अध्यात्म नजर नहीं आता। इस्लाम आदमियों का चलाया हुआ रिवाज है, जिसमें औरतें सिर्फ इस्तेमाल की चीज मानी जाती हैं। औरतों को उनकी मर्जी का शौहर तक पसंद करने का अधिकार नहीं है। हलाल के नाम पर एक औरत की इज्जत से बार बार खेला जाता है, और मरने के बाद 72 हूरों का जिक्र सिर्फ आदमियों के लिए है। औरतों को सिर्फ इस्लाम में गुलाम बनाकर रखा जाता है। इनका काम सिर्फ अपने पति को खुश करना और बच्चे पैदा करना होता है। आदमी अपनी मर्जी से कई शादियां कर सकता है और अगले ही पल अपनी बीवी को बिना किसी वजह या कानून के तहत तलाक भी दे सकता है। दोस्तों इस्लाम में औरतों की स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इस्लामिक कट्टरता को खत्म करना होगा। परवीना, जो हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं, वो कहती हैं कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे सरल और सत्य धर्म है, जिसमें हर जीव जंतु को सम्मान दिया जाता है, और लेबनान का नायक रसूख इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं और उन्होंने अपना नाम श्री हरि कर लिया है। वो कहते हैं कि इन्हें जितनी खुशी इस्लाम को छोड़कर मिली है, उससे भी ज्यादा खुशियां उन्हें हिंदू धर्म अपना कर मिल रही हैं। वो हिंदू बनकर बेहद खुश हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ही सत्य धर्म है और इस धर्म में एक अटूट शक्ति है। उनका कहना है कि सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है, जिसमें डूबने वाला संसार को जीत लेता है। अरब में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों की हालत इतनी खराब है कि वहां से दूसरे देशों में जाने पर वो मजबूर हैं। दोस्तों 18 साल की राहत महमूद अल भी उन्हीं में से एक हैं। सऊदी छोड़ते हुए उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और नास्तिक हो गई। राहत सऊदी से भागकर कनाडा जाकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं, और इसमें पहले 24 साल की अलमा अपने 19 साल की बहन के साथ सऊदी छोड़कर जर्मन भाग गई थी। अब ये दोनों बहनें जर्मनी भी छोड़ चुकी हैं और कनाडा में रह रही हैं। अलमा का कहना है कि कनाडा में रहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सऊदी में उनकी कोई जिंदगी नहीं थी। वो खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। सऊदी में उन्हें अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत तक नहीं थी। दोस्तों ये कुछ ऐसे उदाहरण थे। ऐसे न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो सऊदी और इस्लाम की कट्टरपंथी विचारों से तंग आ चुकी हैं। कुछ आवाजें उठती हैं तो कुछ चुपचाप दुखों को काट लेती हैं, लेकिन एक बात जो साबित होती है वो ये है कि हिंदू धर्म को अपनाने वाला हर शख्स हमेशा खुश रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा औरतों को ही दिया जाता है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना और सत्य धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले हर शख्स को सुख, शांति और समृद्धि जरूर मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो आई होप पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।